नागपुर शहर में अत्याधुनिक बनाए गए पुलिस आयुक्त कार्यालय की तीसरी मंजिल पर सोमवार को आग लग गई। नागपुर शहर में अत्याधुनिक पद्धति से पुलिस आयुक्त कार्यालय बनाया गया है, मगर इस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सोमवार की दोपहर को इस कार्यालय के तीसरे मंजिल के एक रूम में आग लग गई, जिस रूम में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आग लगते ही रूम का फायर सिस्टम शुरू हो गया और आग काबू में आ गई, मगर तब तक अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां घटनास्थल तक पहुंच गई थी। इस आग में रूम में रखे रिकॉर्ड जल गए हैं। पुलिस भवन के 3rd फ्लोर पे 3:30 बजे की सुमारास दोपहर के आग लगने की घटना हुई थी, जहाँ पे हमारा क्लेरिकल स्टाफ बैठता है, वहाँ पे आग लगने की घटना हुई थी। 3 फायर ब्रिगेड आए थे उसके पहले ही, लेकिन जो फायर का सिस्टम है वो स्प्रिंकलर चालू हो गया था और फायर एक्सटिंग्विशर है उसका भी यूज़ किया था, तो पहले ही 10-15 मिनट में उसमें आग हम बुझाने की में सक्सेस हो गए थे। फिर भी फायर ब्रिगेड आके उन्होंने पूरा चेकिंग वगैरह किया है, अभी पूरी आग बुझ गई है। उनसे कांटेक्ट हो चुका है, उनसे उनके अधिकारी नीचे आए हुए होंगे, मेरे साथ उनका कांटेक्ट होना, लेकिन बाकी है हमारे क्लेरिकल स्टाफ का जो रिकॉर्ड रहता है, मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के कुछ रिकॉर्ड रहते हैं वो वहाँ पे है, लेकिन अभी उसका चेकिंग चल रहा है तो उस पर अभी हम पूरा भाषण नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ है और कौन सा नुकसान हुआ है। फायर का स्प्रिंकलर का सिस्टम और ऑटोमेटिक जो भी सिस्टम था वो चालू हो गया था, और फायर एक्सटिंग्विशर जो केयर टेकर है उन्होंने भी उसका यूज़ किया है उसमें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।